जनपद रुद्रप्रयाग के भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दूसरे दिन भी संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि वो अपने साथ उत्तराखंड से सुखद अनुभव लेकर जाएं। इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि यात्रा मार्ग में किसी भी घोड़े खच्चर के साथ किसी भी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो और किसी भी दशा में घोड़े खच्चरों से डबल चक्कर ना लगाए जाएं, इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं के लिए की गई तैयारियों की प्रशंसा की और कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि यात्रा को और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जैसा मैं समझता हूँ, अभी जो नंबर्स देखे हैं, आने वाले समय में मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और स्वास्थ्य में हमने कहा था, हमने डॉक्टर्स जो है ज़्यादा पोस्ट किए थे, ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा नंबर्स पोस्ट करेंगे। सिमिलरली जितने चौक पॉइंट्स हैं जहाँ जो यात्रा जहाँ पर यात्रा जो थोड़ी देर के लिए रुकती है वो भी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हैं। सभी सीनियर अधिकारियों ने विजिट कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी मैडम से लेकर DGP साहब ने मौके पर जो है विजिट कर लिया है। सब ने जो है अब जो है जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको भली भांति जो है इसका अध्ययन करते हुए मेरे ख्याल से और अच्छे तरीके से यात्रा आगे ले जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रतिबद्ध।